दोस्तों, क्या आप कोई भी हाई बजट की फोन को अंडर 10,000 में बाय करना चाहते हो, या फिर 10,000 के थोड़े प्राइस में, मतलब 10,000 से 11,000 के प्राइस रेंज में कोई भी अच्छा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो, जिसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है बहुत ही तगड़ा सा देखने को मिलेगा, एंड इसका प्राइस भी आपको अंडर 10 या फिर 10 से थोड़ा ज़्यादा प्राइस में देखने को मिल सकता है, यानी कि उसका जो ऑर्डर प्राइस आपको देखने को मिलेगा लाइक 13,000, 14,000, 15,000 या फिर 16-17,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, बट ये स्मार्टफोन आपको 10,000 में देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ स्मार्टफोन के बारे में जिसका प्राइस आपको अंडर 10,000 में देखने को मिलेगा, बट इसका ओरिजिनल प्राइस अगर आप चेक करोगे तो इसका प्राइस आपको 15-16 हज़ार में देखने को मिल जाएगा, या फिर 12 से 13 हज़ार की या फिर 14 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाएंगे, बट ये सारे स्मार्टफोन आपको अंडर 10,000 या फिर 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है की और आप देख रहे हैं मोबाइल चिकपॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट में अभी सारे सेल्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे स्मार्टफोन, मतलब सारे के सारे नहीं बट ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ सेल, बट सेल में आपको इसका प्राइस बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो उसी सेल में से तो सिर्फ 5 स्मार्टफोन के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि आपको अंडर 10,000 या फिर 10,000 से थोड़ा सा ऊपर की प्राइस में देखने को मिलता है, एंड ये जो ऑफर बेसिकली है लिमिटेड पीरियड के लिए है। जी दोस्तों, ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, मतलब कुछ दिनों के बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो तुरंत जाके बाय कर सकते हो, वरना ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। बात करते हैं उन 5 स्मार्टफोन के बारे में। तो जो लास्ट, मतलब 5 नंबर से पहले बात करते हैं, तो 5 नंबर पे जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है एक डिसेंट स्मार्टफोन में आपको क्लीन एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटो की तरफ से आने वाला है मोटो G31। इस स्मार्टफोन में आपको क्लीन एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, 4G 64G वाला वेरियंट देखने को मिलेगा, साथ साथ यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एंड फ्रंट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, एंड 5000 mAh की बैटरी भी देंगे, बट यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन का ओरिजिनल प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 11,000 रुपये के आसपास। आपके पास ये सारे कास्ट वगैरह है तो एंड ऑफर वगैरह आप ऐड करोगे तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको अंडर 9,000 में देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट डील है जो कि आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो अगर आपको क्लीन एंड्रॉयड चाहिए तो मोटो की तरफ से मोटो G31 ये बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है। तो उसके साथ साथ दोस्तों बढ़ते आएंगे और बात करते हैं हमारे नंबर 4 स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 11। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी एक बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है क्योंकि स्मार्टफोन का जो ओरिजिनल प्राइस आपको देखने को मिलता है 10,500 रुपये देखने को मिल जाता है ऑफर में, बट उसके ऊपर अगर आप कार्ड वगैरह ऐड करोगे तो दोस्तों इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 9,450 रुपये, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप बाय कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा 6.7 इंचेस की Full HD+ AMOLED डिस्प्ले, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा G88 की चिपसेट, साथ साथ यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एंड 5000 mAh की बैटरी, उसके साथ साथ स्मार्टफोन आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देगा। जी दोस्तों, स्मार्टफोन आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 30W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देगा। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट डील बन जाता है जो कि आप स्मार्टफोन को अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, बड़ा बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के साथ। बट यहाँ पर आपको जो UI देखने को मिलेगा थोड़ा सा ब्लूटूथ देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको क्लीन एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके साथ साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे नंबर 3 स्मार्टफोन के बारे में। नंबर 3 में जो आता है पोको की तरफ से आता है, एंड आपको पता ही हो कि पोको हमेशा गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करता रहता है, बट पोको की तरफ से ये जो स्मार्टफोन आने वाला है ये भी एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पोको की तरफ से ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है जिसका नाम है Poco M4 5G। जी दोस्तों, स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल जाता है ऑफर में 13,000 रुपीज, बट इसको आप बाय कर सकते हो अंडर 10,800 रुपीज़ में, जो कि कार्ड वगैरह अगर आप अप्लाई करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा 10,800 रुपये में। तो बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 90Hz की IPS LCD डिस्प्ले, बट यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलता है, Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एंड 50+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, एंड यहाँ पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले दिया गया, बट 90Hz का डिस्प्ले दिया गया, एंड प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिल जाता है 700 वाला प्रोसेसर, उसके साथ साथ 5G प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मतलब कोई मॉडल अगर आप 10,000 के अंडर 5G फोन बाय करना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। रियलमी की तरफ से, जी दोस्तों, रियलमी की तरफ से आता है रियलमी नार्जो 50।
दोस्तों ये भी एक बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। अगर बात करें ऑफर में इसके प्राइस के बारे में, दोस्तों ऑफर में इसके प्राइस आपको 12,000 देखने को मिल जाता है, पर अगर आप कार वगैरह और ऐड करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 9,999 रुपए। तो अगर आपके पास ये सारे कार्स वगैरह है तो इसको भी आप ग्रैब कर सकते हो 9,999 रुपए में। तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, जहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हीलियो G96 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी एंड 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्मार्टफोन में। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है जिसको आप अंडर 10,000 में बाय कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा है। मतलब अगर आपको एक ऑलराउंडर वाला स्मार्टफोन चाहिए तो स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, हाई रिफ्रेश पे है। उसके साथ साथ प्रोसेसर भी तगड़ा देखने को मिलता है, कैमरा भी तगड़ा देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग वगैरह भी तगड़ा देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसको भी आप बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो हमारे नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है, ये आता है पोको की तरफ से जी दोस्तों, पो M4 Pro 4G। स्मार्टफोन का जो ऑफर प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 13,000 रुपये, बट अगर आप कार्ड वगैरह ऐड करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 10,800 रुपये इस स्मार्टफोन का प्राइस। 10,800 रुपये में ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है जिसको आप बाय कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी ऑलराउंडर वाला स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो ये इतनी प्राइस में, मतलब 1,000 के बीच में है, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर बाय करें, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है 6.4 इंचेस की 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, जहां पर आपको फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। एक बेस्ट पार्ट बन जाता है क्योंकि यहां पर आपको AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। हीलियो G96 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी एंड यहाँ पर ऑल्सो आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है जिसको आप अंडर 10,000 या फिर 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देकर बाय कर सकते हो। मेरा 5 स्मार्टफोन जो कि आप इस ऑफर के साथ बाय कर सकते हो, कोई भी कार्ड वगैरह, मतलब यहाँ पर आपको जो भी कार्ड वगैरह के ऑप्शन दिए गए, कार्ड वगैरह ऐड करके आप बाय कर सकते हो इतनी कम प्राइस में। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि ये सारा स्मार्टफोन को आप एक बार देख लीजिए।